जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रे के तीसरे दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप यानी कि माँ चंद्र घंटा की पूजा की जाएगी। और इस बार नवरात्रे का तीसरा दिन मंगलवार को पड़ रहा है, जो कि बेहद ही विशेष रूप से फलदायी माना गया है। दोस्तों, इस दिन का पूजा व्रत करने से आपको चार गुना फल की प्राप्ति होगी। माँ के इस रूप की सच्चे मन से पूजा करने से सभी प्रकार के रोग कष्ट दूर हो जाते हैं और मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है और लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। माँ का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और इसीलिए इन्हें चंद्र घंटा देवी भी कहा जाता है। माँ चंद्र घंटा के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है और इनकी पूजा अर्चना से जन्म जन्मांतर के कष्टों से मुक्त कर इस लोक और परलोक में कल्याण प्रदान करती है माँ देवी। वहीं देवी चंद्र घंटा बाघ की सवारी करती है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में कमल, धनुष बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गधा जैसे अस्त्र हैं। इनके कंठ में श्वेत पुष्प की माला और रतन जड़ित मुकुट शीर्ष पर विराजमान है। अपने 2 हाथों से यह साधकों को चिरायु आरोग्य और सुख संपदा का वरदान देती है। इसके घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव दैत्य और राक्षस भी कांपते हैं। जो लोग माँ की विधि विधान से पूजा करते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, साथ ही उनको सौभाग्य, शांति और वैभव की भी प्राप्ति होती है। माँ चंद्र घंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं दूर हो जाती हैं। माँ की आराधना से सभी तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ के स्वरूप की उपासना से उपासक निर्भयी होकर जीता है। साथ ही माँ अपने भक्तों के कष्ट का अति शीघ्र निवारण कर देती है। माँ चंद्र घंटा की पूजा करने से प्रेत बाधा का भय नहीं रहता, भक्त के जीवन में सुख और शांति का संचार होता है। माँ चंद्र घंटा की पूजा के पीछे कारण ये है कि माता का पहला और दूसरा रूप तो भगवान शिव को पाने के लिए। जब माँ भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त कर लेती है तो आदि शक्ति रूप में आ जाती है। देवी पार्वती के जीवन की तीसरी बड़ी घटना के रूप में उन्हें अपना प्रिय वाहन बाघ प्राप्त होता है। यही वजह है कि माता बाघ पर सवार है और अपने आदि शक्ति रूप में भक्तों को दर्शन देकर अभय प्रदान करती है। नवरात्रों के तीसरे दिन की पूजा का विधान भी लगभग उसी प्रकार से है जो दूसरे दिन की पूजा का है। दोस्तों, इस दिन भी आप सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता, तीर्थों या फिर नवग्रहों या दशक द्वीपालों या ग्रम या नगर देवता की पूजा आराधना करें और फिर माता के परिवार के देवता जैसे गणेश, लक्ष्मी, विजया, कार्तिकेय, देवी सरस्वती, अमने नाम की योगिनी की पूजा करें और फिर देवी चंद्र घंटा की पूजा अर्चना करें। दोस्तों, माँ को केसर और केवड़ा जल से स्नान कराएं। माँ को सुनहरे या भूरे रंग के वस्त्र पहनाएं और खुद भी इसी रंग के वस्त्र अवश्य पहने। केसर दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं और माँ को सफेद कमल और पीले गुलाब की माला अर्पण जरूर करें। इसके बाद कम से कम 108 बार या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमोस्तस्य 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 नमो नमः मंत्र का जाप करके, मंत्र का जाप अगर जैसे ही आप कर लेंगे उसी समय आपको अपनी इच्छा मनोकामना माता रानी के सामने मन ही मन बोल देनी है। ऐसा करने से आपकी सभी बाधाएं, संकट, दुख, दर्द, परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपकी मनचाही मनोकामना भी माता रानी पूर्ण कर देगी। माता के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।